तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आ गए एक और नई वीडियो के साथ, और आज अपन लोग जा रहे हैं अपने R15 का सेकेंड ही टाइम ब्रेक पैड चेंज करवाने जा रहे हैं पीछे वाले का। तो एक बार दिखा देते हैं ब्रेक पैड की क्या हालत है भाई, बहुत घिस चुका है ये। तो हमने फर्स्ट चेंज करा लिया था और अभी सेकेंडरी का प्रॉब्लम आ चुका है इसका, मतलब सेकेंडरी चेंज कराना है। तो भाई अच्छे से दिखाता हूँ मैं। तो भाई देख सकते हो ब्रेक पैड की क्या हालत हुई पड़ी है भाई। ब्रेक पैड पूरा मेरा घिस चुका है, ब्रेक पैड पूरा घिस चुका है यहाँ से देख सकते हो, और प्लेट भी घिस रहा है अब। तो देखो भाई, अपने को ब्रेक पैड चेंज कराना पड़ेगा। तो चलो चलते पहले शोरूम, ब्रेक पैड खरीदते फिर बाहर आफ्टर मार्केट से उसको लगा लेंगे। सॉरी, पहले ब्रेक पैड खरीदते उसके बाद फिर उसको लगवा लेंगे। तो चलो पहले शोरूम चलते अपन। तो फिलहाल अपन पहुंच चुके हैं शोरूम, तो यह यामा का शोरूम। तो भाई चलो पहले ब्रेक पैड लेके आ जाते हैं फिर बाहर से लगवाएंगे उसको। चलो चलते हैं। तो फाइनली गाइस अपन ब्रेक पैड लेके आ गए। ये पड़ा अपने को 1000 का। तो ये है पीछे का ब्रेक पैड जो कि अपने को पड़ा 1000 का, और यहाँ लगाने का चार्ज ही 200 बोल रहे हैं। तो अपन इसको बाहर में लगवाएंगे, यहाँ से ही लगवाएंगे। तो चलो चलते हैं। पीछे का ब्रेक पैड पूरा घिस चुका है, अब प्लेट को घिस रहा है। प्लेट ख़राब हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, तो प्लेट ख़राब उससे पहले इसको लगा लेते हैं। तो चलो जल्दी चलते हो इसको इंस्टॉल कराते हैं और इंस्टॉलिंग का प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है वो ब्रेक पैड जिसको हमको लगाना है। इसको हम कहीं से इंस्टॉल नहीं कर रहे, खुद से लगा रहा हूँ मैं। तो फिलहाल पहले मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, धीरे धीरे पीछे से दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, बहुत टाइम होगा ओपन करते हैं, हालत ख़राब हुई पड़ी है। फिर भी इसको अपन खुद से इंस्टॉल करेंगे, कहीं से नहीं करवाएंगे। फिलहाल अपन इसको ओपन करते हैं, उसके बाद फिर उसको लगाएंगे। तो देख सकते हो गाइस फाइनली ये रिमूव हो चुका है, और इसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। बस लास्ट बचा, पूरा घिस चुका है। तो देख लो इसकी हालत, और फाइनली हमने इसको यहाँ से रिमूव कर लिया है, और अब अपना न्यू वाला यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो न्यू वाला कुछ ऐसा है और पुराना वाला पूरा घिस चुका है, देख लो। तो न्यू वाला और इसका नट है इसमें लगा हुआ है, और एक वाला लगेगा इसमें 5 नंबर का एलंकी लगता है। अगर आपको अगर घर पे इंस्टॉल करना है तो 5 नंबर का एलंकी ला लेना, फिर ये हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल होगा, प्रॉब्लम होगा, बट आप कर सकते हो। तो चलो फिलहाल अब इसको लगाते हैं। और एक कुछ साइड, तो फिलहाल मैं अकेला हूँ तो कैमरा दिखते नहीं बनेगा। फिलहाल मैं इसको लगा लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। फिलहाल पहले इसको लगा लेते फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसा लगा। तो फाइनली गाइस बड़ी मुश्किल से लग पाया हमारे से, फाइनली यहाँ पे लग चुका है। और अब इसको बस टाइट करना है थोड़ा सा, फिर अपने ने अपना 200 रुपये बचा लिया जो सर्विस चार्जेस का लगता है अपने को, लेबर चार्ज जो शुरू में देना पड़ता है वो अपना बच गया। और ये फाइनली अपना इंस्टॉल हो चुका है। तो चलो अब इसको टाइट कर लेते जल्दी से। तो फाइनली गाइस ये कम्प्लीट इंस्टॉल हो चुका है, घर में ही हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो जो चार्जेस को लगाने के देना पड़ता है वो अपना बच चुका है, और ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। इसके लिए सिर्फ आपको 5 नंबर का एलंकी चाहिए होगा इसको खोलने के लिए। इसको खोलने के लिए एक और नट उसका और उसके लिए, फिर आप इसको घर पे इंस्टॉल कर सकते हो ब्रेक पैड।